अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद नसीरुद्दीन खादरी और आप देख रहे हैं फेवर सिटी उर्दू न्यूज। आपकी अहम खबरें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फेमस सिटी न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। हैदराबाद के पुराने शहर में दिन दहाड़े एक बुरका पोश खातून पर कातिलाना हमला किया गया। फौरी तौर पर मिली इत्तला के मुताबिक बाबा नगर इलाके में एक बुरका पोश खातून सड़क से बैग लेकर गुजर रही थी कि पीछे से एक नौजवान ने इस पर खंजर से हमला कर दिया। इसके नतीजे में खातून शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गई। हमलावर ने खातून पर मुतायदा वार किए और जब राहगीरों खातून को बचाने के लिए आगे बढ़ रहे थे तो हमलावर ने इन्हें भी खंजर से डराया। हमला के बाद खातून कश खाकर सड़क पर गिर पड़ी और हमलावर वहाँ से फरार हो गया। इत्तला मिलते ही कंचनबाग पुलिस ने मुकामी वाक़े पर पहुँच कर ज़ख्मी खातून को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकल किया। ज़ख्मी खातून की शिनाख्त नूर बानो और हमलावर की शिनाख्त हबीब के तौर पर की गई है। बताया गया है मुलजिम खातून को हरासा कर रहा था। आइए देखते हैं इसके मज़ीद तफसीलात। हर अहम और ख़ास खबर के लिए हमारे न्यूज़ चैनल फेमस सिटी न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें और इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। मेरा नाम शबरीन है, मेरा मम्मी का नाम नूर बानू है। ये जो हबीब था हमारे घर के पास रहता था, वो मम्मी को कितने के दिन से तंग कर रहा था, वो हरासमेंट कर रहा था, जान जाने वहाँ स्टॉक कर रहा था। एक कंप्लेंट दिए भी हम लोग हमारे नियर यहाँ पर पुलिस स्टेशन में और दूसरी जगह भी तीन बार कंप्लेंट दिए कि तीन बार भी केस फाइल करें, मगर कुछ भी एक्शन नहीं लिए वहाँ पर। यहाँ हमारे मोहल्ले के जो भी थे लोग बड़े लोगों को भी बोले पर फिर भी नहीं सुने और लोग कुछ भी ना हुआ। अब मम्मी मेरे दीदी के पास से जाके आ रहे थे, फिर भी ऐसा मर्डर केस कर दिए। चचेरे भाई और लोग हमें कुछ करे थे, उन लोग उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे, उन लोगों के ऊपर केस फाइल हो गया। उन लोग को जेल में डालने वाले थे, ऐसा हुआ ये सब। आपकी मम्मी की उम्र क्या रहती है? 45 है। कितने बहन भाई हैं आप लोग? हम लोग चार बहना दो भाई हैं। इससे पहले कभी शिकायत करे आप लोग पुलिस स्टेशन में? तीन बार करे जाके। कैसा क्या रिस्पांस मिला पुलिस? कुछ भी रिस्पांस नहीं मिला, जब का जब लेके गए फिर छोड़ दिए। पापा क्या करते हैं आपके? पापा का इंतकाल हो गया। हाँ, केबल ऑपरेटर थे दोनों। हरासमेंट कितने टाइम से चल रहा था? वन ईयर से चल रहा, कितने की बार बोले भी, मोहल्ले वाले भी रोकने की कोशिश कर रहे पर बाद में रुक रहा ही नहीं था। हम लोग की कम्प्लेंट करे, हम लोग मम्मी की कंडीशन बहुत सीरियस है, पूरा सर वही खुल गया, हाथ वही टूट गया पूरा। सत्तूर से मारे गए थे पूरा। नाम शेख हबीब नाम है, उसको शेख नसीरुद्दीन के नाम से जानते।